महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत 26 अप्रैल को चुनाव होना है, जिसके लिए प्रशासन सतत तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार 15 से 17 अप्रैल तक विभिन्न अधिकारी कर्मचारी जो कि चुनाव के दिन अन्यत्र ड्यूटी करेंगे, उनका डाक मत के सहारे मतदान करा जा रहा है। दरअसल इन मतदाता बंधुओं से द्वितीय प्रशिक्षण के समय डाक मत पत्र हेतु आवेदन ले लिया गया था, जिसके आधार पर वह अपना मतदान कर रहे हैं। बता दें कि जिले के 358 अधिकारी कर्मचारियों ने मतदाता के रूप में आवेदन प्रस्तुत किए थे, जिसमें राजिम विधानसभा से 263 और बिंद्रानवगढ़ विधानसभा से 95 अधिकारी कर्मचारियों ने अब तक आवेदन प्रस्तुत किया है। साथ ही आवेदन लेने की तिथि अभी बनी हुई है, वही 17 अप्रैल को डाक मत पत्र से अंतिम मतदान होगा। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। हम लोग शासकीय कर्मचारी जो कि पुलिस विभाग के अंतर्गत आते हैं, चुनाव के दौरान हमारी कहीं भी ड्यूटी लग सकती है, इसलिए सरकार के बनाए नियम के अनुसार आज हम लोग मतदान देने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर ड्यूटी लग सकता है वोटिंग के दौरान, चुनाव ड्यूटी सर, इसलिए आज 15 से 17 अप्रैल तक अपने को वोट करना है। इससे ये फायदा देखते हैं कि अब बाहर कोई भी जगह ड्यूटी लगा है तो वहाँ वोट नहीं डाल सके ना, या तो इसी कारण से पहले से वोट वो कर दिए हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर के हमारे यहाँ पे सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। पूरे जिले में 3 सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे मतदाता जो कि अपने चुनाव ड्यूटी के कारण वोट करने में सक्षम नहीं है, तो वो डाक मतपत्र के थ्रू भी कर सकते हैं और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ आज हम सुविधा केंद्र में इनका वोटिंग करा रहे हैं, वो डाक मतपत्र के थ्रू अपना वोटिंग कर रहे हैं। इसमें राजिम के हमारे पास टोटल 263 फॉर्म्स अब तक प्राप्त हुए हैं और बिंद्रानवागढ़ के 95 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें अभी मतदान का कार्य चल रहा है। मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर इनका ड्यूटी अगर कहीं इलेक्शन में लगा हुआ है या भविष्य में लगने की संभावना है, तो जिसमें हमको विभागाध्यक्ष लिख के देते हैं कि इनका ड्यूटी लगाया गया, तो उस हिसाब से इनको हम डाक मत पत्र की सुविधा देते हैं।